हिमाचल प्रदेश के इंटर के अध्यक्ष एक बार फिर हरदीप सिंह बाबा को चुना गया। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में रविवार को इंटर के चुनाव करवाए गए, जिसमें प्रदेश की 116 इंटक से संबंधित यूनियन ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय युवा इंटक अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय इंटक सचिव संजय गाबा की अध्यक्षता में ये चुनाव संपन्न हुए। इस दौरान हरदीप बाबा को फिर से सर्वसहमति से हिमाचल प्रदेश इंटक का अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस कार्यालय में उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। नवनियुक्त इंटक अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह ने इसके लिए विभिन्न यूनियन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि विभिन्न यूनियन मांगों को लेकर प्रस्ताव मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों को सौंपेगी और कर्मचारियों को न्याय दिलवाने के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाया जाएगा। मैडम बैठ जाओ, दो देर के बाद हिमाचल प्रदेश इंटेक के साथ जुड़ी हुई हमारी 118 यूनियंस के सभी पदाधिकारियों का, जो यहाँ पे इस चुनाव के लिए यहाँ पहुँचे, डेलीगेट सेशन और हमारा जनरल काउंसिल की मीटिंग थी और उसके बाद चुनाव प्रक्रिया थी। कोविड की वजह से हम लोग 10 महीने लेट जो अपना चुनाव करा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जी, जिनके आशीर्वाद से आज हिमाचल प्रदेश में हमारी इंटक जो है लगातार मजबूत हो रही है। आज पांचवी बार, मुझे 13 साल हो गए मैं इंटक में जो है अपनी सेवा निभा रहा हूं, और आज पांचवी बार मुझे ये दायित्व जो सौंपा गया है आज इस कांग्रेस पार्टी के प्रांगण में, मैं आप सभी लोगों का जहां धन्यवाद करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में जिस तरीके से हम लोगों ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय इंटक से जुड़े हुए हमारी यूनियंस, हमारे यूनियंस के मुद्दों को सरकार के और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स के समक्ष उठाया और उनका निपटारा कराया, और आज आप देखेंगे कि इस बोर्ड में जितनी स्कीमें हमने शुरू कराई थी वो सारी स्कीमें इन काइंड जो है वो बंद हो गई है। उन स्कीमों को किसी तरीके शुरू करना, आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी एम्प्लॉय का दर्जा देना, HRTC में पीस मील वर्कर के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने नीति बनाई थी वीरभद्र सिंह की सरकार में जब GS बालीजी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उस पॉलिसी को जो है मजदूर हित में, कर्मचारी हित में उसे लागू करना, न्यूनतम वेतन जो है हिमाचल प्रदेश में जो है कम से कम 15,000 रुपये हर वर्कर का होना, आशा वर्कर्स को मिनिमम वेज की कैटेगरी में लेके आना, उनके लिए पॉलिसी बनाना, और आंगनवाड़ी को जो है मिनिमम वेज की जो है के अंतर्गत लेके आने का।